सावल यारपीआर ड्रामे को लेके कल से अपडेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जो ऑफिशियल न्यूज़ शेयर की गई है, काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल पेज ने न्यूज़ शेयर की थी कि फिरोज खान, दुर्रेफिश, अहमद अली अकबर इस ड्रामे का पार्ट होंगे, लेकिन अब पता लग गया वो न्यूज़ फेक होने वाली है। फिरोज खान का जो मैनेजर है उन्होंने खुद कन्फर्म कर दिया कि फिरोज खान अभी इस ड्रामे का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया है, लेकिन दुर्रेफिश और अहमद अली अकबर इस ड्रामे का पार्ट होंगे, ये ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म हो चुका है। फिरोज खान की भी बात जा रही है, उनकी प्रॉपर डील नहीं हुई है। अभी जो ऑफिशियल पेज ने अनाउंस किया था उनमें उन्होंने कह दिया कि ये फेक न्यूज़ है। फिलहाल जो इसके जो राइटर वो हाशिम नदीम बेग है, डायरेक्टर इसका सैयद उजाल हुसैन है। इमरान अशर से भी लोगों ने, काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि आपका जो अपकमिंग ड्रामा था सावल यारपीआर वो हमें कब देखने को मिलेगा। इमरान अशरफ ने कहा वो ड्रामा बन जरूर रहा है, लेकिन अब उस ड्रामे का मैं पार्ट नहीं होने वाला हूँ, यानी कि साफ पता लग गया अहमद अली अकबर ने उनको रिप्लेस कर लिया है। ये ड्रामा हमें बहुत जल्द जियो एंटरटेनमेंट पर देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामे की जो शूटिंग है वो पता लग रहा है कि स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका जो तीसरा मेन लीड एक्टर है ना, यानी कि जो फिरोज खान है या कोई भी एक्टर होगा, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। बाकी आप क्या चाहते हैं इस ड्रामे में कौन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक ये न्यूज़ फेक साबित हो चुकी है कि फिरोज खान इस ड्रामे में होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।